हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है टेस्टी तड़का में। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी इंडियन डेजर्ट लौकी की खीर, जो कि आप किसी को भी खिलाएंगे तो सब लोग सिर्फ तारीफें करेंगे और कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये लौकी की खीर है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं लौकी की खीर और नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। लौकी की खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है लौकी या घिया, आधा किलो का था ये, हाफ के जी 500 ग्राम का। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। 1 लीटर फुल क्रीम दूध है ये। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम या आधा कप पनीर लिया है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। 3/4 कप या 150 ग्राम चीनी है। आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच घी और 200 ग्राम खोया। इसके अलावा दोस्तों थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं, काजू है, बादाम है और पिस्ता है। 7 से 8 काजू है, 7 से 8 बादाम और उतना ही पिस्ता लिया है मैंने। इसको मैं बारीक चॉप कर लूंगी और साथ ही केसर लिया है। केसर के कुछ धागे मैंने गर्म दूध में डिजोल्व कर लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लौकी की खीर। दोस्तों लौकी की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम लौकी को 1 सीटी तक बॉइल कर लेंगे। इसको मैं प्रेशर कुक करूंगी। इसमें हम 1/2 कप मिल्क ऐड कर लेंगे ताकि लौकी आराम से प्रेशर कुक हो जाए। लौकी को हम हाई फ्लेम पे 1 सीटी के लिए प्रेशर कुक कर लेंगे। दोस्तों लौकी को 1 सीटी लग गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर जब तक रिलीज ना हो जाए कुकर को नहीं खोलेंगे। दोस्तों लौकी का प्रेशर रिलीज हो गया है, लौकी गल चुकी है। अब हम कुकर को खोल लेंगे और खीर को हम खुले बर्तन में पकाएंगे। इसके लिए मैं एक पैन गैस पर रखूंगी और लौकी को इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। साथ ही हम गैस को ऑन कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हाई पे रखेंगे और इसमें बचा हुआ मैं सारा दूध ऐड कर दूंगी। दोस्तों ये देखिए दूध में अब उबाल आ गया है। अब हम खीर की आंच को थोड़ा कम कर देंगे, गैस को अब हम मीडियम पे कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे खीर को हम लगभग 15 से 20 मिनट तक कुक कर लेंगे। दोस्तों खीर को कुक करते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने हाई मीडियम फ्लेम पर ही पकाया है और अब मैं इसमें खोया डाल दूंगी। खोए को मैंने हाथ से क्रम्बल कर लिया था, उसको अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको लगातार चलाते हुए कुक करूंगी जब तक खोया इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। खीर में खोया डालने के बाद हम खीर को लगातार चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो खोया नीचे लग जाता है। दोस्तों खोया अच्छे से मिक्स हो चुका है खीर में। इस समय हम चीनी और घी ऐड करेंगे। दोस्तों घी ऐड करना कंप्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन घी डालने से एक तो खीर की खुशबू बहुत ही बढ़िया हो जाएगी और दूसरे हमें पकाने में परेशानी नहीं होगी और खोया जो अब तक कढ़ाई के तले में लग रहा था वो भी नहीं लगेगा। अब खीर को हम मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक पकाएंगे। दोस्तों खीर को कुक होते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें इलायची पाउडर और पनीर डाल दूंगी। और साथ ही इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ के साथ मैं इसमें केसर भी ऐड करूंगी और ड्राई फ्रूट डाल देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं बाद में गार्निशिंग के लिए रिजर्व रखूंगी। और खीर को अब हम लगभग 1 मिनट तक और कुक करेंगे, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे क्योंकि खीर अब बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों खीर बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और खीर को सर्व करूंगी।
तो दोस्तों तैयार है ये लौकी की खीर। झटपट बन जाती है, आसानी से बन जाती है और लोगों को बहुत पसंद आती है। और अगर आप बच्चों को परोसेंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि लौकी की खीर है और आप उनको इजिली खिला भी सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ टेस्टी तड़का पर। तब तक ईट टेस्टी, स्टे हेल्दी।